मुझे लगता है कि आने वाले समय में जितनी भी छोटी जातियां है उनको राजनीतिक कार्यकर्ता बनने का अधिकार भी नहीं रहेगा। बचपन से जब भी होश आया तो हमने संघ की शाखा में जाना शुरू किया। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता न कभी दबा है, न कभी डरा है, न कभी झुका है, हमेशा स्वाभिमान के साथ में सीना तान के खड़ा है। राजनीति को खत्म करने के लिए हम जैसे युवाओं को आगे आना पड़ेगा। आप हमारे छोटे से आग्रह पर सभी पधारे हैं और जो हमेशा स्नेह आपने दिया है, आज भी आप अब समय में हमारे आग्रह पर पधारे। आज हम जिस निमित्त यहाँ एकत्रित हुए, बचपन से जब भी होश आया तो हमने संघ की शाखा में जाना शुरू किया और उस संघ के अंदर पले बढ़े, वहीं से जो भी सीखा उसी को समाज, राष्ट्र और धर्म के लिए हमारी ऊर्जा सामर्थ्यों को लगाया। कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा, परिवार का क्या होगा, और जो जीवन जो हमारा था वह हमने पूरा राष्ट्र धर्म और हमारी जो विचारधारा थी उसको समर्पित किया। और आज वही पहचान समाज के अंदर हमको हमारा परिदृश्य बताती है। राजनीतिक क्षेत्र में जाने का जब अवसर मिला तब भी निरंतर कभी भी मैं चुनाव नहीं हारा, और विपरीत परिस्थितियों के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध जब लहर थी और मात्र बीजेपी के जब 9% चुनाव जीते, उसमें भी मैं अपने वार्ड से भारी मतों से चुनाव जीत के आया। संगठन में निरंतर कार्य करने के बाद में पिछले कुछ सालों से इस प्रकार की उपेक्षा महसूस हुई। वर्तमान में जो राजनीतिक परिदृश्य बनता जा रहा है उसमें जो जातिवाद का जहर और जातिवाद का एक तरह से दबाव को महसूस कर सकते हैं, मुझे लगता है कि आने वाले समय में जितनी भी छोटी जातियां हैं उनको राजनीतिक कार्यकर्ता बनने का अधिकार भी नहीं रहेगा। राजनीतिक कार्यकर्ताओं को योग्यता के आधार पर नहीं तोला जा रहा है, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को समर्पण के आधार पर नहीं तोला जा रहा है, राजनीतिक कार्यकर्ताओं के ऊपर अविश्वास किया जा रहा है। और कल की तारीख में जो 4-5 नए कोई आए हैं उनके ऊपर संगठन को भरोसा है। 30-35 साल तक जिन्होंने अपना त्याग, तपस्या, परिश्रम करके जिस संगठन को बड़ा करने में जो अपनी भूमिका निभाई, उनके ऊपर उनको अविश्वास महसूस होता जा रहा है। इस सब प्रकार की वेदनाओं से द्रवित होकर और सिरोही के बच्चों के भविष्य के लिए, सिरोही सिंहगंज के विकास के लिए, सिरोही सिंहगंज के स्वाभिमान के लिए, इस धरती के अभिमान के लिए यहाँ का जन्मा जाया कार्यकर्ता जिसके अंदर योग्यता है, जो पूरी ऊर्जा से लबालब भरा हुआ है, जो हमारी विचारधारा जो चली आ रही है उस विचारधारा को और मजबूत करने में जो बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है, ऐसा कार्यकर्ता जनता का नेतृत्व करे। क्योंकि सिरोही की जन भावनाएं भी यही कह रही है, राजनीतिक कार्यकर्ता भी यही चाहते हैं, लेकिन किसी न किसी प्रकार के दबाव या डर के कारण कार्यकर्ता खुल के नहीं बोल रहा है। और हमारे संगठन के अंदर आंतरिक लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जिस भी कार्यकर्ता ने संगठन हित में अपनी बात को विभागी से बोला और वह बात किसी की महत्वाकांक्षा को या किसी को व्यक्तिगत रूप से जब उसको छोड़ करती है तो वह लोग साजिश करने लग जाते हैं, एक नैरेटिव बनाते हैं और उस कार्यकर्ताओं को बिल्कुल किनारे लगाने के अंदर लग जाते हैं, और उस कार्यकर्ता को पता भी नहीं लगता कि उसको किस प्रकार से पार्टी से, मुख्य धारा से उसको बाहर किया जा रहा है। बाहरी लोगों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, संगठन को बिल्कुल ही खोखला कर दिया है। जैसा अशोक जी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता न कभी दबा है, न कभी डरा है, न कभी झुका है, हमेशा स्वाभिमान के साथ में सीना तान के खड़ा है। और आज जिस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी के अंदर कार्यकर्ताओं की, नाबालिगों की, ना समझो की, अनुभवहीनों की एक फौज खड़ी की जा रही है, जिसके आधार पर यहां की योग्यता को मार के स्थानीय कार्यकर्ताओं के अंदर से किसी को भी टिकट नहीं देकर या इस प्रकार का मान के यहां समझकर
जाति विशेष के दबाव में इस जातिगत राजनीति के अंदर सिरोही सिंहगंज को अंधेरे के अंदर धकेला जा रहा है, जिसको हमारे जैसा कार्यकर्ता बिल्कुल भी सहन नहीं करेगा। हमारे प्रेरणादायक सम्मान्य नरेंद्र जी मोदी ने लाल किले की प्राचीर से कहा कि इस जातिवाद को खत्म कर दो, वहीं से प्रेरणा लेकर यह संकल्प हमने लिया कि जातिवाद की राजनीति को खत्म करने के लिए हम जैसे युवाओं को आगे आना पड़ेगा। और आज बहुत मनन मंथन के बाद में हमने ये कदम उठाया है। आप भी सब समझ सकते हैं कि जहां से हमारा जुड़ाव रहा है और जड़ों तक जुड़ाव रहा है, उसके बाद में यह निर्णय करना हमको क्यों पड़ा, ये स्थिति क्यों पैदा हुई, श्री को क्या मिला, इस प्रकार का सब विचार करने के बाद में हम लोग इस चुनाव के अंदर आ रहे हैं। और तीसरे विकल्प के रूप में हम नहीं आ रहे, हम मजबूत विकल्प के रूप में आ रहे हैं और ये चुनाव हम जीतेंगे। जनता भी यही चाहती है, भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता भी यही चाहता है। अनुशासन का पाठ पढ़ाया जाता है, आंखों का डर दिखाया जाता है, कार्यकर्ताओं को लोभ प्रलोभन पदों का दिया जाता है। हम सभी पदों को ठोकर मारते हैं और हमारी इस जन्मभूमि सिरोही और सिंहगंज के लिए अपने आप को अगर सुहा भी करना पड़ा तो करेंगे। और एक ऐसी क्रांति पैदा होगी कि आने वाले समय में इस धरती से जन्मा जाया व्यक्ति यहां का नेतृत्व करेगा, 24 घंटे जनता के बीच में रहेगा, चाहे वह कोरोना का समय हो तो उसको 200 किलोमीटर से आने की आवश्यकता नहीं रहेगी। यहां का व्यक्ति 24 घंटे उपलब्ध होगा, कैसा भी दुख है, सुख है, नवरात्रि है, गणेश चतुर्थी है, जन्माष्टमी है, होली है, दिवाली है, राखी है, ऐसा जनप्रतिनिधि चाहिए जो हमको जनता के बीच में दुख सुख के अंदर शामिल हो। इस प्रकार के जनप्रतिनिधि को कतई स्वीकार नहीं कर सकते जिसका साल से आधा समय तो उसका केवल सड़क के अंदर आने जाने में लगा रहे और उसके बाद में बाहर के लोग उसको अपने हिसाब से चलाए रिमोट कंट्रोल बना के, और यहां के कार्यकर्ताओं का लगातार हनन होता जाए। और भारतीय जनता पार्टी को जहां तक हमने पढ़ा है, दीनदयाल जी को पढ़ा है, श्यामा प्रसाद जी को पढ़ा है, समझा है, हमने अनुभव किया है, हमारे रग रग के अंदर जो बसा हुआ है उसमें यह स्पष्ट लाइन क्लियर है कि हम किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं करेंगे। और हम पूरी निडरता से जो जनता के लिए अच्छा है उसके साथ में हम खड़ा रहेंगे, जो हमारे बच्चों के भविष्य के लिए अच्छा है उसके साथ में खड़ा रहेंगे। इस सिरोही को हम अंधेरे में धकेलने नहीं सकते। किसी भी प्रकार का समझौता दबाव हम महसूस करके या उसको स्वीकार करके इस सिरोही को मंदिर में जाने से रोकने के लिए हमने ये कदम उठाया। हम लोग पूरी ताकत, पूरी ऊर्जा से, पूरे सामर्थ्य से, जनता स्वयं हमको चुनाव लड़ेगी और हम उसी गति से चुनाव लड़ेंगे जिस गति से सामने वाला प्रत्याशी अगर 100 की स्पीड से चल रहा तो हमारी स्पीड 110 की होगी। उसमें कहीं पर भी कोई कमी आने वाली नहीं है और न हम किसी दबाव में आने वाले हैं। और इस चुनाव में जाने के लिए हमारे साथ बहुत लंबी फौज है, बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के जो मजबूत पदाधिकारी होंगे उनकी मजबूरियां रही होगी, उनका भी सानिध्य है। और आने वाले समय में ये लाइन आपको जिस प्रकार से बड़ी होती जाएगी और आपको दिखती जाएगी, ये सिरोही का परिदृश्य बदलेगा। और 3 तारीख को जो रिजल्ट आएगा उसके अंदर हम चुनाव जीतेंगे और बहुत भारी मतों से जीतेंगे, क्योंकि सिरोही को हमारा आपने उद्घोष भी देखा होगा जो हमने यहाँ पे लगाया है। तो इस स्थानीय के मुद्दे पे, जातिवाद के खिलाफ और योग्य कार्यकर्ताओं के हनन से प्रताड़ित होकर हम इस चुनाव मैदान में जा रहे हैं। हमारी विचारधारा, हमारी सोच, उसमें न कभी बदलाव आया है और न कभी बदलाव आएगा। और 4 गुना सामर्थ्य के साथ में हम उस विचारधारा को मजबूत करने में अपनी पूरी ताकत लगाएंगे और उसमें कभी भी विचलित नहीं होंगे। अगर हमको कभी प्राण भी देने पड़े तो हम देंगे, लेकिन जनता के साथ में इस प्रकार का यह सौतेला व्यवहार, बार बार जाति विशेष के दबाव में योग्य कार्यकर्ताओं के, बहुत सारे कार्यकर्ता थे हमारे
जो चुनाव जीतने का पूरा मादा रखते हैं, जिन्होंने पूरा जीवन इसके लिए खपा दिया, जो जमीन से जुड़े हुए, जो चॉइस सुबह निकलते हैं शाम कब होती है, घर पे खाना खाया नहीं खाया, ऐसे कार्यकर्ता जो 24 घंटे मेहनत करने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी ने उनको दरकिनार करने के बाद में बाहरी व्यक्ति को पुनः टिकट दिया, जो कि पिछली बार भी चुनाव हार गए थे, और वो जो चुनाव हारे वो अपने स्वयं के कर्मों के कारण और नीतियों के कारण हारे। और जब जीतता है व्यक्ति तब तो मेरे चेहरे से मैं जीता हूं और मैं जीता हूं इस प्रकार का भाव प्रकट करके अपनी बात रखता है, और जब हारते हैं तो उसका दोष कार्यकर्ताओं को दिया जाता है, इसको बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। हमारे भारतीय जनता पार्टी के अंदर योग्यता के अंदर दर्जनों नहीं सैकड़ों कार्यकर्ता मैं कहूंगा जो विधायक का चुनाव बहुत मजबूती से लड़ने का और जीतने का हौसला रखते हैं, लेकिन ऐसे लुम्बाराम जी चौधरी जैसे, ताराराम जी माली जैसे, दिलीप सिंह जी मांडाणी जैसे, नारायण जी देवासी जैसे, तीर्थ गिरी जी जैसे, राजू गिरी जी जैसे, अशोक जी पुरोहित, हेमंत जी पुरोहित, मैं जितने नाम लूँ उतने कम है। ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता जो तैयार थे पूरी उमंग उत्साह और उमंग के साथ में, लेकिन सबको निराश कर दिया पार्टी ने केवल मात्र जातिगत इस जहर के दबाव में, और इस राजनीति को हम बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। अब सिरोही से 36 कौम का उम्मीदवार, 36 कौम की भावनाओं को लेकर यहाँ का जन्मा जाया उम्मीदवार एक मजबूत विकल्प के रूप में आपके सामने है। सिरोही की जनता ने जो प्रण लिया है, सिरोही की जनता ने जो धारा है, ऐसे हम सबका सहयोग चाहिए। और मैं भी यहाँ से अपील करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि सिरोही की जनता आशीर्वाद प्रदान करे अपना, और अपने सिरोही से जन्मा जाए बेटे को अपना आशीर्वाद देकर वोट के रूप में अपना आशीर्वाद देवे और 3 तारीख को भारी मतों से जितावे, ताकि वह व्यक्ति या जयपुर में जाकर दिल्ली तक सिरोही की आवाज़ को वहां पर पहुंचावे, 24 घंटे जनता के बीच में रहे और हमारी जो विचारधारा है उसको और मजबूत करने में अपना सक्षम योगदान देवे, क्योंकि किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। बहुत ज़्यादा अभी चुनाव में हम जाएंगे, तब आने वाले समय में हम आपके सामने और समय समय पर आएंगे, लेकिन आज हम ये उद्घोषणा करने जा रहे हैं और चुनाव में बिल्कुल भी हमने पहला कदम बढ़ा दिया है, अब बस आपका साथ चाहिए। कल जो दीप जलाए थे हमने वो रोशन आज भी है, उसमें कहीं पर भी कोई कमी नहीं आएगी। हमारे ऊर्जा में, हमारे विचारों में, हमारी शक्ति में, हमारे सामर्थ्य में, हमारे दौड़ने में, हमारे चुनाव लड़ने की ताकत में, प्रचार में, कहीं पर भी आपको कोई कमी नहीं दिखेगी। पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और हमारे सामने जो लक्ष्य में है केवल मात्र चुनाव जीतना। और बता रहे हैं ना सब बोल, तो अब मैं बस एक दो हमारे प्रदीप जी 2 मिनट बात रख ले, फिर हम उसकी ओर बढ़ते हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद।